ar-rahim. hello dear student assalamu alaikum dear student today we will start from the first year zoology chapter number 5 biodiversity my topic is lysogenic life cycle of a bacteriophage जैसे कि बाबा हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा था लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। आज जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो बैक्टीरियोफेज का बैक्टीरिया के अंदर जो लाइसोजेनिक साइकिल है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे मैंने आज के टॉपिक में बैक्टीरियोफेज के लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके इसीलिए बाबा आज हम स्टार्ट करेंगे कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल हम किसको कहते हैं तो लेट्स स्टार्ट बाबा लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की जी, डेफिनेशन जैक होंगी असां लाइसोजेनिक में जेका डेफिनेशन ठाहींदा आहियूं बैक्टेरियोफे जी बैक्टेरिया जे अंदरि उहा इहा आहे त लाइसोजेनिक साइकल लाइसोजेनिक साइकल इज़ अ मेथड बाए विच अ वायरस कैन रिप्लीकेट इट्स डी एन ए यूज़िंग अ होस्ट सेल यानि लाइसोजेनिक वो साइकिल है जैमें वायरस जो होता है वो रिप्लिकेट करता है अपने डीएनए को मगर होस्ट के सेल के अंदर और जब ये पढ़ेंगे कि ये जो टिपिकली दायरस के अंडर गोज़ टू टाइप्स ऑफ डीएनए एन बाबा वायरस जो होता है वो अपने डीएनए को रिप्लिकेशन करता है होस्ट के अंदर मगर उसके जो टाइप होते हैं रिप्लिकेशन करने के वो कितने होते हैं उसके अंदर वो होते हैं दो एक जो होता है जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान डीएनए की रिप्लिकेशन आई बी जो पुटर होंगी है वो है लाइटिक साइकिल होस्ट के अंदर डीएनए की रिप्लिकेशन जो अच्छा अगर हम ये देखें कि जो लाइटिक साइकिल हमने पढ़ा था उसके अंदर ये था इन द लाइटिक साइकिल द डीएनए इज मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स

पर इहे ॿई शयूं जेके थींदियूं आहिनि एक्चुअली उहे प्रोसेस इन करे कंदियूं आहिनि छाकाणि त बैक्टीरिया जी जेका बायोसिंथेटिक मशीनरी हूंदी आहे बैक्टीरिया जी जेका मेटाबिक मशीनरी आहे उनखे अरेस्ट करे उन मां इहे सभु शयूं ठहंदियूं आहिनि अच्छा जॾहिं चवंदासीं त अहिड़े क़िस्म जो रिलेशनशिप जंहिंमें होस्ट ऐं पैथोजिन जो यानी पैथोजि होस्ट के अंदर मेटाबल मशीनरी के अरेस्ट करें आई एन ए जो कॉपी भी रिप्लिकेट करें उनसा गडोग गड़, प्रोटीन के बिठाए तो ऐसे रिलेशनशिप को हम ये पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज इज नोन एज मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप यानी हम कहेंगे कि लाइटिक लाइफ साइकिल में होस्ट और पैथोजिन का जो रिलेशनशिप होता है वो मास्टर एंड स्लेव मास्टर जैसे के मालिक को कहते हैं स्लेव जैसे के गुलाम को कहते हैं तो आका और ग़ुलाम का रिलेशनशिप होता है चलो बाबा इसके अंदर जो हम मास्टर कहते हैं वो डीएनए होता है मगर बैक्टीरियोफेज का और स्लेव जो बन जाता है वो बायोसेंट्रिक मशीनरी बनती है किसकी बैक्टीरिया की यानी जब बैक्टीरिया की बायोसेंट्रिक मशीनरी को अटैक करे व डी एन वायरस और बैक्टीरियोफेज तो इन दोनों के रिलेशनशिप को हम मास्टर एंड सेलेव रिलेशनशिप कहते हैं चलो जब हम उसके बाद देखते हैं कि ये तो लाइटिक लाइफ साइकिल में था अब क्या होता है वाइल द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए इज ओनली रिप्लीकेटेड नॉट ट्रांसलेटेड इन टू यानी वो साइकिल जिसमें बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो रिप्लीकेट तो हो मगर अपनी कैप्सिल ना बना सके अपनी प्रोटीन ना बना सके उसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल अच्छा दिस कैन बी समाइम्स हैपन इन ट यूकैर ये हम देखते हैं ये अच्छे तरीके से हम समझेंगे उन सब के अंदर जो प्रोक्रोटिज हों यूक्रोटिज हों जैसे कि बैक्टीरिया हों आर मच बेटर अंडरस्टूड स्टूड एग्जाम्पल्स इनों के अंदर अच्छे तरीके से इसको हम समझ सकते हैं अच्छा बाबा ये हम देखते हैं कि बैक्टेरियोफेज आर द बैक्टीरिया वायरस इंजेक्ट्स जेक्स डी एन ए इन टू द बैक्टीरिया अब लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल हो या लाइटिक लाइफ साइकिल हो सबसे पहले तो अटैचमेंट होती है और अटैचमेंट किसकी किसके साथ होगी पुटर कह कैसा थी जो बैक्टीरिया जो सेल आ उनके मथा बेक्टेरियो या बेक्टेरिया जो वायरस जो वो कह अटैचमेंट कौन ए अटेजमेंट करो डी एन ए मटीरियल इंजेक्ट कैक्टेरिया के अंदर तो डी एन ए इज़ देन रिप्लिकेटेड जैसे वो एंटर होगा तो एंटर हो जाने के बाद डी एन ए रिप्लीकेट करेगा वहन द बेक्टेरिया अंडर गो सैल डिवज यानि डी एन ए ऑफ बेक्टेरियो फेज नहीं करता और क्यों नहीं करता क्योंकि इसके अंदर आपने पढ़ा था कि जब आप इसके अंदर देखोगे तो इन्हों का जो रिप्लीकेशन का मेथड होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया और जब ऐसा हो तो हम कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप इज नोन एज होस्ट एंड गेस्ट यानी लाइसोजेनिक में जो रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड बेक्ट्रोफेज होता है वो होस्ट एंड गेस्ट होता है तो इसको हम नॉन वार्यूलेंट कहेंगे और लाइटिक को हम वार्यूलेंट कहते हैं इो इन लाइन पुट्ट वार्यूलैंड चवंदाक ब शूं टाइन है डी एन ए तदीन है जैसे बायोसेंटिक मशीनरी ऑफ बेक्टेरिया से बेक्टेरियोफेज डी एन ए कंट्रोल करें होंद है अनफेवरेबल कंडीशन थी माना फेवरेबल एनवायरमेंट न हूंदो आहे तंहिंजे करे हीअ कॾहिं बि पाण इन्डिपेंडेंटली रिप्लीकेट नाहे कंदो पर इन जी रिप्लीकेशन थींदी आहे तॾहिं जॾहिं सेल डिवीजन थींदी हुजे बैक्टेरीया जी त अहिड़े नमूने सां इनजे रिलेशनशिप खे होस्ट ऐं गेस्ट जो रिलेशनशिप चइबो अच्छा ॾिसो इहो छाजे करे थींदो आहे इन जी वजह छा हूंदी आहे कहिड़ो सबबु हूंदो आहे बिकॉज़ आल डी एन ए इज़ मेड ऑफ द सेम बेसमालिक्यूल्स एंड वायरल डी एन ए नो एक्सेप्शन्स द सेम केमिकल रिएक्शन्स देट रिप्लीकेट्स द बेक्टीरियल डी एन ए केन रिप्लीट द वायरल डी ऐन ए त इहो थींदो आहे जो वायरस जो बैक्टीरिया जो डी ऐन ए जेको रिप्लीकेट कंदो आहे उन सां वायरस जो डी एन यानी भी रिप्लिकेट कड़ी चाह हम ऐसे कहेंगे कि जो वायरस का यानी बैक्टेरियोफेज का जो डीएनए है वो इनकारपोरेट हो जाता है यानी वो पार्ट बन जाता है किसका बैक्टीरिया के डीएनए का यानी जब बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया का डीएनए और इस वायरस का डीएनए जब आपस में मिलते हों तो वो लिमडा का शेप देते हैं या वो सर्कुलर डीएनए बनाते हैं इसीलिए हम कहेंगे कि वो सिंस दिस प्रोसेस आर ऑलरेडी हैपनिंग इन द बैक्टीरिया वो प्रोसेस पहले से ही बैक्टीरिया के अंदर होता है इसीलिए बैक्टीरिया डिवाइड होता रहेगा तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए भी डिवाइड होता रहता है अच्छा पुत्र है जदें लाइसोजेनिक साइकिल के दिसंस कैन बी थॉट ऑफ एज द वायरस हिचिंग अइड ऑन द एफर्ट्स अलरेडी बीइंग स्पेंड बाय द बैक्टीरिया अब क्या है कि ये जो वायरस का डीएनए होता है वो सफ़र करता है ये उसके मुताबिक ही चलता है जो बैक्टीरिया का ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा होता है उसी के मुताबिक वो उसी के साथ सफ़र अपना स्टार्ट कर देता है यानी उसकी बायोसेंट मशीन पर कमांड नहीं करता कमांड ना करने की सूरत में वो जैसे ही वो डिवाइड करता है उसी तरीके से बैक्टीरियोफेज भी डिवाइड करता है अच्छा तो फिर हम कहते हैं कि जब उसके मुताबिक अगर अप्लीकेशन होती हो तो क्या होता है तो हम कहते हैं कि टिपिकली द बैक्टीरिया इज़

तॾहिं त इन जे रिलेशनशिप जो तालुक़ु जेको हुओ उहो होस्ट एंगेस्ट जो ऐं हुन में जेको तालुक़ु हुओ उहो कहिड़ो पुटु मास्टर एंड सलैब जो तंहिंजे वो करे बैक्टेरिया जे सेल ते को बि इफेक्ट न थींदो आहे पोइ बैक्टेरिया हुजे प्लांट हुजे एनिमल हुजे पर जॾहिं बि वायरस जो ॾींहं ने, ने रिप्लीकेट करे उन सेल सां गॾु ऐं उनखे कंहिं बि क़िस्म जो इफेक्ट न करे त उनखे असां नॉन वायुलंड चवंदा आहियूं ऐं उनखे असां टैम्परेट चवंदा आहियूं इसलिए बाबा अब ये देखेंगे कि लाइटिक लाइफ साइकिल जब होगा तो यहाँ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो फेज़ होता है ये इंजेक्ट करता है अपना डीएनए मटेरियल एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर तो वो इसलिए वो इंजेक्ट करे तो उससे पहले पहले वो अटैचमेंट करेगा देखो अगर मैं कहूँगा कि ये एक पूरा बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर ये आकर बैक्टीरियोफेज अपनी टेल फाइबर के जरिए अटैचमेंट करता है तो इसके ऊपर जो ये प्रोटीन का कैप्सूल जो होता है जिसके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होता है जबकि बैक्टीरियोफेज के अंदर तो बैक्टीरियोफेज के अंदर तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो ये जब अटैचमेंट करेगा तो इसी के अंदर इसकी जो पित्त होती है यानी जो शीत होती है वो कॉन्ट्रेक्ट करके इस बैक्टीरिया के हेड बैक्टेफेज के हेड और बैक्टीरिया के सेल वाल के बीच में मौजूद डिस्टेंस को कम किया जाता है जिसके जरिए ये क्या करता है वायरल जीनोम अपना इंजेक्ट करता है सेल के अंदर इसलिए अटैचमेंट के बाद इंजेक्शन होती है डीएनए मटेरियल ऑफ बैक्टेरियोफेज का बैक्टीरिया के अंदर अब इसने इंटर जब कर दिया तो अगर लाइटिक होगा तो बायोसेंट्रिक मशीन पर कमांड करेगा अगर लाइसोजेनिक है तो इसके ऊपर कमांड नहीं होती मगर इसके साथ इनकारपोरेट होता है इसका पार्ट बन जाता है अच्छा देखो जब इसका पार्ट बन जाए तो फिर ये क्या करता है इसके अंदर प्रोसेस जो होगा वो ये होता है कि ये अटैचमेंट कर लिया इंजेक्ट कर दिया अपना डीएनए मटेरियल, और डीएनए मटेरियल के इंजेक्ट करने के बाद ये अपना प्रोसेस आगे आगे की तरफ चलाता है और उस वक्त हम कहेंगे कि इसका जो प्रोसेस फिर हो जाता है वो चेंज हो जाता है मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस करेगा इंजेक्ट करने के बाद अपना डीएनए मटेरियल जैसे इंजेक्ट करेगा तो इंजेक्ट करने के बाद ये अपने तमाम प्रोसेस को आगे की तरफ ले जाता है मिसाल जिसमें हम कहेंगे कि इसने अपना लाइफ साइकिल इंसर्ट करने के बाद ये क्या करता है इन दिस वे इसी तरीके से ये क्या करेगा थ्रू नॉट ऑफ इट्स ओन अब इसकी अब इसकी खुद की जो है इसकी खुद का जो प्रोसेस होता है वो आगे की तरफ जाता है इन दिस वे थ्रू नो इफल्ट ऑफ इट्स ओन द वायरस कैन रिप्लीकेट्स इट्स डी एन ए

अब फिर वो वायरल का जो डीएनए होता है वो उसके बाद वो क्या करता है इंडक्शन करता है तो वाड्यू इंडक्शन इंडक्शन कहते हैं कि जो डीएनए इंटर हुआ था और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट किया था उससे अगर करे, सेपरेशन करे यानी सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑफ़ बैक्टीरिया फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज और द सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज फ्रॉम बैक्टीरिया इज नोन इज इंडक्शन एंड द डी एन ए विल स्विच द लाइटिक साइकिल तो फिर वो लाइसोजेनिक में से वो पुट लाइसोजेनिक माँ तब्दील करें लाइटिक में अचीव मना चाहे द टेम्परेट वायरस वो आ हम ये कहेंगे कि टेम्परेट उसको कहेंगे जो अपने लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को लाइटिक में कन्वर्ट कर दे तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट वायरस यानी सिंपल हमने पढ़ा था कि द वायरस हैविंग है बोथ लाइफ साइकिल अच्छा उसमें क्या होगा अब जब लाइसोजेनिक से इंडक्शन करके लाइटिक करेगा तो अब क्या करेगा इन विच द डीएनए इज एक्टिवेटेड डीएनए एन ए ऑफ एक्टिवेट हो जाएगा एक्टिवेट थी वो तो ट्रांसक्रिप्ट एंड ट्रांसलेटेड इन टू द शेल्स विच कैन बी हार्मर वायरल डीएनए आउटसाइड द सेल अब ये डीएनए जो है फिर इसके अंदर डीएनए की रिप्लिकेशन तो पहले हो चुकी थी अब उसके बाद प्रोटीन का कवर बनेगा ताकि ये बाहर सेल से जब निकले तो किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर आसानी से अटैक कर सके अच्छा दिसो पुट द एड द सर्टेन पॉइंट कदै एडी पॉइंट अचीव आने द इन्फेक्टेड बैक्टीरिया विल बी फुल ऑफ वायरसेस माना एक अड़ी स्टेज अची हुई जो बैक्टेरिया जेको आहे उहो फुल तक़रीबन सौ खां ॿ सौ स्पेशीस ऑफ वायरस जूं या बैक्टेरोफेज जूं बैक्टेरिया जे अंदरि थी वेंदियूं आहिनि इनकैप्सुलेटेड इन द वायरल कैप्सिड प्रोटीन हर हिक जो डी एन ए ॿाहिरां कैप्सिड जे कवर में प्रोटेक्ट हूंदो दिस सेल विल लाइसिस पोइ सेल बस्ट सेल जे बस्ट वरी लिबरेट थींदो आहे त जीअं ॿिए कंहिं जॾहिं सेलिलाइसिस थींदो या बस्ट थींदो ऐं द वायरस विल बी रिलीज़्ड द वायरस रिलीज़ थी वेंदा इन टू द एनवायरमेंट एनवायरमेंट जे अंदरि ईंदा एबुल टू इनफेक्ट द अदर बैक्टेरिया हाणे इहे वरी ॿिए बैक्टेरिया ते अटैक करण जे लाइक़ु थींदा उहे ॿिए बैक्टेरिया ते अटैक कंदा अहिड़े नमूने सां वंस अ न्यू कैप्सेट कंटेनिंग वायरल डी एन ए फाइंड इट्स वे टू अ बैक्टेरिया प्रसटार्ट ओवर तक प्रोसेसबल कंडीशन ना होंगे फॉर द लाइटिकॉर द लाइटिक ल लाइसोजेनिकेनिक लाइफ सरज्यूम्स रहता है ये चलता रहता है तब ये लाइटिक में तब्दील होगा जब उसके लिए कंडीशन राइट right हो जाए यानी फेवरेबल कंडीशन हो जाए तो फिर वो लाइसोजेनिक से लाइटिक में कन्वर्ट हो जाता है अच्छा नो कैप्स प्रोड्यूस्ड बट द डीएन है मकसद क्या है कि कैप्सिड नहीं बनेगी मगर वायरल का डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए के रिप्लीकेशन से या बैक्टीरिया के रिप्लिकेशन से बढ़ता रहेगा मगर कभी भी प्रोटीन नहीं बनाएगा तो कहेंगे इस हिसाब से

इन द लाइसोजेनिक साइकिल इज़ नॉट इनफ टू किल आर डैमेज द बैक्टेरिया जेकॾहिं रिप्लीकेटर उहो डी एन ए थिए त इहो कॾहिं बि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में कॾहिं बि बैक्टेरिया खे किल न कंदो इन दिस वे इट लुक्स अ लाइक हेल्दी इन नमूने सां बैक्टेरिया हमेशह असांखे हेल्दी लॻंदा आहिनि पर यादि रखी छॾियो मां तव्हांखे पहिरियां ई ॿुधायो त वंस द कंडीशन बिकम फेवरेबल हली हली जेकॾहिं बैक्टेरिया बैक्टेर फे जे ॾियण जे लाइ कंडीशन फेवरेबल थी वेंदियूं राइट सिचुएशन अची वेंदी फॉर द वायरस वायरस जे लाइ टू लीव द बैक्टेरिया बैक्टेरिया खे छॾींदो इट विल एक्ज़िस्ट द लाइसोजेनिक साइकिल एंड इंटर द लाइटिक साइकिल त पोइ छा थींदो इहो एक्ज़िट कंदो इट विल एक्ज़िट इहो ख़तमु कंदो लाइसोजेनिक खे वरी हलियो वेंदो लाइटिक लाइट साइकल लाइसोजेनिक को स्विच ऑफ कर लाइटिक साइकिल को स्विच ऑन कर देता है स्टार्ट करना शुरू कर देता है तो जब ये दोनों साइकिल्स मौजूद हों, तभी इसको हम टेम्परेट कहते हैं देखो बाबा उसके बाद जब हम देखते हैं कि अगर आप लाइसोजेनिक साइकिल के स्टेप्स को याद करो कि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेप होते हैं सबसे नंबर फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि ए बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टेड द बैक्टीरिया बाय इंजेक्श्स डी पहला स्टेप ये होता है कि अटैचमेंट के बाद ये जो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस का डीएनए होता है वो इंजेक्ट होता है डीएनए ऑफ या इंजेक्टिंग करता है अपना डीएनए इनटू द बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आर द लिक्विड स्पेस इनसाइड ऑफ द सेल वाल या तो वो जो लिक्विड स्पेस होता है बैक्टीरिया का सेल वाल के अंदर उसके अंदर वो अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है पहले स्टेप में

वायरल वायरलो डीएन एट पा रिप्लिकेट कौ पर की रिप्लिकेट केक्टेरिया के प्रोटीन से गोगे बेक्टेरिया के डीएनए से गोग रिप्लिकेट कौ पाँ न डीएनए पाँ जो है सो प्रोटीन ना दो, पर ना बेक्टेरिया डिवीजन से गोगे डीएनए जो कॉपी भी ठांदी रूँ परा कैक्टेरिया कौन बनाएगा बेक्टेरिया इसको डीएनए की रिप्लिकेशन करने में मदद देता है हर बेक्टेरिया के डिवीजन के बाद अच्छा जब स्टेप थ्री होता है तो क्या पढ़ते हैं द वायरल डी एन ए कैन कंटिन्यू यूजिंग द बैक्टेरियल मशीनरी टू रुप्लीकेट राइजोजेनिक में क्या होता है कि जो वायरल का डी एन ए होता है वो लगातार मशीनरी ऑफ बैक्टीरिया की यूज करता है ताकि रिप्लीकेट कर सके आर इट कैन स्विच टू द लैटिक साइकिल या ये क्या करता है स्विच ऑन कर देता है मगर तब जब उसकी कंडीशन फेवरेबल हो इसलिए वो लाइटिक साइकिल को बंद कर देता है और बैक्टीरियल के मशीनरी के साथ रिप्लिकेट करता रहता है यानी हम कहेंगे कि लाइटिक लाइफ साइकिल वाला प्रोसेस लाइसोजेनिक में नहीं होता लैटिक में क्या पढ़ा था कि डीएनए भी रिप्लिकेट करेगा छापड़े पुट्ट डीएनए भी रिप्लिकेट कर तो प्रोटीन की सेन्थेसिस भी फार्मिंग यानी ट्रांसलेशन भी थी रिप्लिकेशन भी इनके करें लाइटिक लाइफ साइकिल के स्विच ऑफ किया अच्छा इफ़ द वायरल डी एन ए स्टेज इन द लाइसोजेनिक साइकिल जे वायरल जो डी एन ए स्टे हो जो लाइसोजेनिक साइकिल में तो क्या होता है वन कापी आर फ्यू कापीज या तो एक कापी बनेगी या कितनी कापी क्यों ना बने क्योंकि हर डिवीजन के बाद दो दो कापी ऑफ डी एन एफ वायरस की बनेगी ऑफ द डी एन एक्ष, एग्जिस्ट इन द मैनी बैक्टीरिया हर बैक्टेरिया बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर डी एन एफ वायरस भी मौजूद होगा तो इसमें स्टेप थ्री में फिर क्या होगा इन द लाइजोजेनिक साइकिल द डीएनए ओनली गेट्स रिप्लीकेटेड वह इन द बैक्टेरिया आर रिप्लीकेटिंग देयर ओन डी एन ए यानी वायरस का भी डी एन ए रिप्लीकेट करेगा तब जब बैक्टेरिया का डीएनए रिप्लीकेट करेगा तीसरा स्टेप ये चौथा स्टेप जो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है इवेंचुअली इवेंचुअली द वायरल डी एन ए विल स्विच टू द लैटिक साइकिल यानी वो कंडीशन जब पहले पीछे आपने पढ़ा कि जब फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो फिर वो इलेक्ट्रिक साइकिल को इन विच द टू प्रोड्यूस द डीएनएस ऑफ द कैप्सिड आर द प्रोटीन कवर्स फॉर द डीएनए स्विच कह पुटे इलेक्ट्रिक साइकिल के मकैनिजम में हाँ रिलेशनशिप चेंज किया रिलेशनशिप हो होस्ट ऐं गेस्ट जो हाणे वरी जॾहिं फेवरेबल कंडीशन थी वई त पोइ जेको बैक्टेरिया फेज जो डी ऐन ए आहे उहो कैप्सेट बि ठाहींदो डी ऐन ए जूं कॉपियूं बि ठाहींदो स्टेप पंजे में छा थींदो त जेकॾहिं स्टेप फाइव में अगरि जेको त दीज़ कैप्सेट गेट्स रिलीज़ड इन टू द इनवायरमेंट इनफेक्ट अ न्यू बेक्टेरिया एंड द लाइज़ोजेनिक में स्टार्ट अगेन त इहो वरी जेको हाणे बैक्टेरियो फैज तयारु थी वियो इहो वरी जॾहिं सेल खे बस्ट कंदो त बस्ट थी वञण खां पोइ हाणे इहो जॾहिं ॿिए बैक्टेरिया ते अटैक कंदो त थी सघे थो वरी इहो लाइसोजेनिक शुरू करे वरी लाइसोजेनिक खे लाइटिक में कंवर्ट करे अहिड़े नमूने सां जेको बैक्टेरियो फैज लाइसोजेनिक खे लाइटिक में कंवर्ट कंदो उनखे असां टैम्परेट चवंदासीं या लाइसोजेनिक चवंदासीं ॾिसो पुटु इफ द बैक्टेरिया इज़ वीक लेकिन बैक्टेरिया कमज़ोर हों अगर वीक होगा आर डैंग या बिल्कुल मुर्दा होगा द वायरस में इंटर स्ट्रेट इंट द लाइटिक साइकिल शुरू में ही वायरस जो होता है वो लाइटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट करता है इन आर्डर टू तो अवॉइड द डाइंग विद द बैक्टीरिया और कभी भी जो है वो बैक्टीरिया के ऊपर डाइंग नहीं करता यानी बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है इसी तरीके से अब अगर हम डायग्राम को देख लें कि मैंने जब आपको कहा था कि जब आप लाइटिक लाइफ लाग्ट साइकिल देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरिया के सेल वाल है बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर अटैचमेंट करेगा तो सबसे पहले अटैचमेंट है द फेज अटैज टू द सरफेस ऑफ द होस्ट और फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो फेज का डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर इंटर होगा ये होस्ट का डीएनए ये फेज का डीएनए तो इसके अंदर क्या होगा पेनिट्रेशन द वायरल डीएनए एन टू द होस्ट सेल तीसरे स्टेप में क्या होता है कहते हैं कि बायोसेंथिस होती है और बायोसेंथिस में फेज डी एन ए रिप्लिकेट एंड फेज प्रोटीन आर मेड क्योंकि लाइटिक है और इसके अंदर जो रिलेशनशिप का होगा वो मास्टर एंड सलेब का होगा इसीलिए वो अपनी डीएनए की कॉपी भी बनाता रहेगा मगर उसके साथ साथ प्रोटीन भी बनाता रहेगा यानी रिप्लिकेट भी करेगा तो उसके साथ प्रोटीन की फार्मेशन भी करेगा तो फिर क्या होती है इसके अंदर असेंबलिंग होती है और असेंबलिंग से बैक्टेरियोफेज मेच्योर हो जाता है न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड सारे पार्ट जो होते हैं बैक्टेरियोफेज के वो आपस में अरेंज होकर एक न्यू और मेच्योर बैक्ट्रोफेड बनाते हैं तो बैक्ट्रोफेज कितने बनते हैं एक सेल के अंदर तकरीबन 100 से 200 बन जाते हैं जब इतने बन जाते हैं तो फिर क्या होती है इस बैक्टीरिया की सेल वाले लाइसिस करती है बस्ट करती है द सेल लाइसिस रिलीज द न्यू मेड फेज और ये जो है वो फेज को रिलीज कर देता है अब ये फेज किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने की सलाहत रखते हैं अच्छा मैंने कहा था ये तो हो गया लाइटिक लाइफ साइकिल मगर जब आप लाइसोजेनिक में देखोगे और टेम्परेट को देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक ये यह लाइसोजेनिक आपने क्या पढ़ा था कि अटैचमेंट होती है पेनिट्रेशन डीएनए होता है जब एंटर होगा तो क्या बनेगा ये देखो ये बैक्टीरिया का डीएनए है ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है आपने क्या पढ़ा था कि कोई नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होती क्योंकि बेस के जो मालिक्यूल होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं बैक्टीरिया के डीएनए का और बैक्टीरियोफेज का डीएनए का ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और जब ये दोनों इनकार्पोरेट हो जाते हैं इनो की जब इनकार्पोरेशन होती है द फेज डीएनए बिकम्स इनकार्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनो होस्ट जी डीएनए सा बैक्टीरियोफेज जो डीएनए मिली वो ठा लिमडा ठाया या डी सर्कुलर डीएनए की स्ट्रक्चर ठांदी अच्छा जैठ हाँ ये मास्तर ऐं स्ले वारो रिलेशनशिप नाहे बल्कि होस्ट ऐं गेस्ट जो आहे माना हिन में रुॻो सिर्फ़ु रिप्लीकेशन ऑफ डी एन ए थींदी उहा बि तॾहिं थींदी जॾहिं बैक्टेरिया रिप्लिकेट कंदो तव्हांखे ख़बर आहे त हर वीहनि मिंटनि खां पोइ हिकिड़ो बैक्टेरिया ॿिनि बैक्टेरिया में डिवाइड थींदो आहे त हाणे जॾहिं

तुम पढ़िया हर पॉपुलेशन अंदर जो को डीएनए वो जो बेक्ट्रिफेज के चंद सेल डिवाइड्स एंड प्रोफेज डीएनए इज पास ऑन टू द डाटर सेल प्रोफेज ही जै डीएनए से जो डीएनए के चंद प्रोफेज ए फर्स्ट डिवाइड हे भी इनजा प्रोफेज या डीएनए अच्छा अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन द प्रोफेज डीएनए इज एक्सरसाइज फ्रॉम द बेक्टेरियल क्रोमोजोम्स एंड इंटर जैसे राइट कंडीशन पढ़े फेवरेबल कंडीशन जैसे राइट कंडीशन जैसे फेवरेबल एन्वायरमेंट थी तो इंडक्शन इंडक्शन मैं तक बुदायु तो इंडक्शन मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं कहते हैं कि इंडक्शन में बेक्टोरफेज का डी एन ए बैक्टेरिया के डीएनए से सेपरेशन करता है यानी सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन अब जब इंडक्शन करेगा यानी ये वो बैक्टीरिया है जो वीक है ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल नहीं चलेगा मगर ये बैक्टीरियोफेज अब लाइसोजेनिक को कन्वर्ट कर देता है लाइटिक यानी मैंने कहा था कि टेम्परेट कैसे कहते हो जिसको जो बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल से लैटिक में तब्दील हो जाए यानी वन बैक्टीरियोफेज हैविंग बोथ लाइफ साइकिल इट इज कॉल्ड टेम्परेट वायरस तो देखो अब लैटिक से लाइसोजेनिक से लैटिक में और लैटिक में क्या होगा फेज डीएनए रिप्लिकेट सिर्फ रिप्लिकेशन यहाँ पर फेज का डीएनए रिप्लिकेट सिर्फ कर रहा था मगर कैप्सिड की फार्मेशन नहीं हो रही थी जैसे इंडोशन इंडक्शन की तो फेज का डीएनए भी बनेगा और प्रोटीन की फार्मेशन भी होगी फिर क्या होगा न्यू फेज पार्टिकल असेंबल्ड अरेंजमेंट होगी मैचुअरेशन होगी मैचोरेशन से बैक्टीरियोफेज बनेंगे और बैक्ट्रोफेज कितने बनेंगे बैक्टोरियोफेज तकरीबन 100 से 200 सौ बने दोबारा से सेल बस्ट होगा अब ये जो है लिब्रेट होंगे जैसे ये लिब्रेट होंगे तो दोबारा इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे अब इंटरनल इन्वामेंट डी एन एफ बैक्टेरियो के लिए अनफेवरेबल होगा तो लाइसोजेनिक अगर फेवरेबल होगा तो लैटिक लाइफ साइकिल होगा मगर पहले जब इनफेवरेबल हो फिर फेवरेबल इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया के सेल को डैमेज कर दे तो ऐसे वायरस को हम टेम्परेट कहते हैं अभी दोनों को साथ मिला कर देखना ये डायग्राम में बन दिखाया है जिस जिसके अंदर ये दोनों साइकिल बने हुए हैं ये लाइटिक के अंदर देखो क्या हो रहा है ये बैक्टीरिया के सेल वाल के ऊपर बेक्ट्रोफेज अटैच कर रहा है ये देखो पेनिट्रेशन हो रही है इसके बाद रिप्लीकेशन हो रही है और प्रोटीन की फार्मेशन हो रही है यहाँ पर देखो मेचोरेशन होती है असेंबलिंग होती है असेंबलिंग के बाद जब मैचोरेशन होगी तो क्या होगा बस्ट होगा और लिबरेट होते हैं एक सौ से दो सौ जो होते हैं वो बेक्टोरफेज ताकि दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करें अच्छा जब लाइसोजेनिक में देखते हो तो क्या होता है कि जब लाइसोजेनिक होता है तो अटैचमेंट तो वही होगी और पेनिट्रेशन ऑफ डीएनए भी उसी तरीके से होगा मगर यहां पर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है ब्लू कलर का और बैक्ट्रोफेज का डीएनए जो रेड कलर का है जब दोनों इनकॉर्पोरेट हो जाएं जब दोनों आपस में मिलें तो क्या बनेगा या तो लिमडा बनेगा या तो पीछे हमने लिमडा को देखा था यहां पर कहेंगे सर्कुलर डीएनए बनेगा याने जब राइट कंडीशन न होती, फेवरेबल कंडीशन नई होती, तो लिमडा या सर्कुलर डी बनेगा अब क्या होगा? इसके अंदर डिवीन ऑफ बैक्टेरियो फेज खे डी की त हो डी जे बैक्टेरियो फेज जी त थींदी पर कॾहिं बि इन जे अंदरि प्रोटीन न ठहंदी माना चवंदासीं त हीउ जेको बैक्टेरिया जो सेल आहे हींअर डेमेज न थींदो बस्त न थींदो छाकाणि त हिन जे रेस्ट में आहे इनएक्टिव आहे पोइ हर हिकु बैक्टेरिया डिवाइड थींदो रहंदो ऐं पंहिंजो नसुलु वधाईंदो रहंदो पर पोइ छा थींदो आहे जॾहिं कंहिं हिकिड़े बैक्टेरिया में मिसाल तौर ते जेकॾहिं मां हिन बैक्टेरिया जो ज़िकिर कयां त हिन बैक्टेरिया जी स्ट्रक्चर में इंडक्शन थींदी थी माना हिन जे अंदरु हिन डी ऐन ए जे लाइ फेवरेबल इस डी ऐन ए खे लिए फेवरेबल कंडीशन आहे त उहे क्या कटंदा इस से सेपरेट हो जाता यानी सेपरेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड इंडक्शन और जैसे इंडक्शन होगी अब क्या होगा यहाँ पर तो था होस्ट एंड गेस्ट का रिलेशनशिप अगर बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो बैक्टीरियोफेज का भी डीएनए एन होगा अगर बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये उसको किल नहीं करेगा रेस्ट में रहता है इसीलिए हम कहेंगे कि ये नुकसानदह नहीं होता मगर जैसे ये इंडक्शन करके दोबारा साइकिल चलाएगा तो लाइटिक बनेगा तो यहाँ से यहाँ से हम कहेंगे कि लाइसोजेनिक विल बी कन्वर्टेड इन टू द लाइक लाइटिक लाइफ साइकिल ये किसके अंदर होता है ये होता है टेम्परेट वायरस के अंदर मगर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइटिक लाइफ साइकिल वो लाइटिक साइकिल उसके अंदर होगा जिसमें होस्ट का सेल वीक होता है यानी डी एन ए ऑफ के लिए इंटरनल इन्वायरमेंट राइट होता है फ्रूटफुल होता है फेवरेबल होता है तभी अब देखो हम कहेंगे कि इसके अलावा इस टॉपिक के साथ रिलेटेड बायोलॉजी टर्म्स जो इसके साथ रिलेटेड टर्म है जैसे कि हमने कहा कि बैक्टोरियो फेज किसे कहेंगे ये वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को उसको हम कहते हैं सिंपली एज फेजिस फेजिस मीन्स ईटर दो बैक्टीरिया को फेज करता हो उसको हम बैक्टेरियो फेज कहते हैं अच्छा उसके बाद लैटिक लाइफ साइकिल वन ऑफ द टू मेथड्स ऑफ द वायरल रिप्रोडक्शन यानी दो रिप्रोडक्शन मेथड में से एक है जिसको हम लैटिक कहते हैं मगर उसमें क्या होगा इन विच द डी एन एज रिप्लीकेटेड डी एन ए रिप्लीकेट करें एंड कैप्सिड कैसेज आर मेड टू कैरी इट मगर उसके साथ साथ कैप्सिड भी बनती रहे तो अगर डी एन ए भी रिप्लीकेट करे और प्रोटीन सेन्थेसिस भी हो उसको हम कहते हैं लैटिक लाइफ से क्लोरियो वायुलेंट होता है मगर हम इंडक्शन जो पढ़ा आपने तो ये क्या होता है द प्रोसेस बाय विच द वायरल डी एन एज सुच फ्राम द लाइसोजेनिक टू द लैटिक साइकिल यानी वायरस का डी एन ए जो होता है वो लाइसोजेनिक को लैटिक में कन्वर्ट कर दे उसको हम कहते हैं इंडक्शन और उसमें मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी पुत्र डेफिनेशन क्या पढ़ी हूँ द सेपरेशन ऑफ वायरल डी एन ए फ्राम द बैक्टेरियल डी एन ए इट इज कॉल्ड इंडक्शन अच्छा वायरल कैप्सिड प्रोटीन कैसे कहेंगे अ प्रोटीन ट्रांसलेटेड बाय द बैक्टीरियल मैकेनिज्म फ्रॉम द वायरल डीएनए एन ए माना अड़ी प्रोटीन जी ट्रांसलेट थे बैक्टीरिया जे मैकेनिज्म मा वायरल फ्रॉम द वायरल डीएनए मीन टू इनकैप्सुलेटेड द वायरल डीएनए जे का कवर दिए वायरल जे डीएनए के एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवामेंट ए के प्रोटेक्ट करे एनवायरमेंट मा वायर प्रोवाइडिंग डिलीवरी मैकेनिज्म इनटू द नेक्स्ट होस्ट ताकि इसको किसी दूसरे होस्ट के अंदर एंटर करने में मदद दे द वायरल कैप्सिड प्रोटीन हम कैसे कहेंगे इट इज द कैप्सिड प्रोटीन विच विल बी फॉर्म बाय द वायरल डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल डीएनए एंड देट प्रोटीन प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सो देट इट विल बिकम द एक्टिव टू अटैक ऑन द अदर बैक्टीरिया थैंक्स डियर स्टूडेंट थैंक यू बाबा इस लेक्चर के रिगार्डिंग में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो कोई पॉइंट समझ में ना आया हो और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप whatsapp नंबर पे मैसेज करके इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छे नमूने से फिर समझ सकते हो इसके रिगार्डिंग में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप क्वेश्चन बना के पुट्ट जी की भी दुख्याई हो जे whatsapp मैसेज से वरी मंखा पूछी सको था थैंक्स अल्लाह हाफिज